अमेज़न वर्षावन दुनिया के सबसे बड़े वर्षावनों में से एक है। यहाँ पर लोग एडवेंचर करने और नेचर को एक्सप्लोर करने जाते रहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे अमेज़न के सबसे खतरनाक क्रिएचर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक ईल। हमारी लिस्ट की शुरुआत करते हैं अमेज़न के पानी में मौजूद शॉक देने वाले इलेक्ट्रिक ईल से। ये ईल इतनी ज्यादा खतरनाक तो नहीं होती कि ये किसी इंसान को पूरी तरह मार सके, लेकिन इनका 600 वोल्ट का करंट किसी भी इंसान को हार्ट अटैक देने के लिए काफी है। आगे उसकी कोलेस्ट्रॉल लेवल और वो जाने। ये मछलियाँ पानी की गहराई में रहती हैं और अपने शॉक की मदद से शिकार करती हैं। इनके शॉक के कारण ही इन्हें पकड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी कारण ये किसी भी तरह के कलेक्शन में भी मौजूद नहीं मिलती। इंसानों के लिए इन मछलियों को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इन्हें पकड़ने के लिए इनके डिस्चार्ज होने तक का इंतजार करना पड़ता है। इन मछलियों का फर्टिलिटी सिस्टम भी काफी जबरदस्त है। ये एक बार में 3000 से भी ज्यादा ईल्स को जन्म देती हैं। ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर को दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वो मकड़ी नहीं जिसे आप आसानी से कुचल दें। ये मकड़ी बड़े से बड़े जानवरों को आसानी से अपने जहर से परेशान कर सकती है। हालांकि अपनी हर बाइट में जहर नहीं फेंकती, बल्कि अपनी तीसरी बाइट से ये जहर फेंकना शुरू करती हैं। ये ऐसा क्यों करती हैं? इसके पीछे का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। ये नीले रंग के चमकीले मेंढक होते हैं। ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं और इनका ये रंग इन्हें पेड़ पौधे के बीच छुपने में काफी ज्यादा मदद करता है। ये मेंढक लगभग 2 इंच लंबे होते हैं और इनमें इतना जहर होता है कि ये 10 इंसानों को बड़ी ही आसानी से मौत के घाट उतार दे। दक्षिण अमेरिकी रैटल स्नेक। वैसे तो अमेज़न के जंगलों में कई तरह के सांप पाए जाते हैं, लेकिन रैटल स्नेक उन सभी में सबसे ज्यादा खतरनाक है और इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा भी वही है। रैटल स्नेक को दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रैटल स्नेक एक बार काट ले तो इंसान का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अमेज़न में भी इसका कहर भयानक है। ब्लैक केमैन। अगर मगरमच्छ की कोई दुनिया होती है तो ब्लैक केमैन वहाँ का राजा होता। ये मिट्टी के रंग का होता है, इसलिए अपने शिकार का इंतजार करते हुए ये आसानी से छुप जाता है। ऐसा ही इसलिए करता है ताकि इसे पहचाना ना जा सके। आमतौर पर इसके शिकार में मछलियाँ शामिल होती हैं, जिनमें पिराना जैसी मछलियाँ भी होती हैं, लेकिन ये हिरणों और दूसरे जानवरों पर भी हमला कर देता है। कई बार तो इसकी लड़ाइयाँ एनाकोंडा के साथ भी देखी जा सकती हैं। हमें कमेंट करके बताएं कि इनमें से सबसे ज्यादा डरावना और खतरनाक कौन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।